इंस्टॉलेशन के बाद अप्रेसर शॉप को लोकल होस पे भी और ऑनलाइन भी यानी यू के ज़रिए डोमेन नेम के जरिए भी हमने लॉग इन करके देखा है कि एज अ एडमिन आपके पास क्या क्या चीज़ें एक्सेसबल होती हैं लोकल पे भी और ऑनलाइन भी और हमने ये भी देखा है कि दोनों में जो फीचर्स हैं एडमिन के पास या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं एडमिन के पास क्योंकि एडमिन इज़ द ओनर ऑफ द शॉप वो एक शॉप का मालिक है तो फीचर्स यानी जो काम कर सकता है एडमिन चाहे वो लोकल हो पे हो चाहे ऑनलाइन हो वो तकरीबन सेम है सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट मूविंग फॉरवर्ड जो पहला काम आपने करना है शॉप सेटअप करने के बाद वो ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट्स ऑफर करना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को वो आपने अब प्रोडक्ट्स अपने डेटाबेस में या ऑनलाइन स्टोर में ऐड करने हैं दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द फर्स्ट स्टेप टू लॉन्च द शॉप तो उसको करने के लिए सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि आप डायरेक्टली प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते ना प्रेस्टाशॉप में ना मेजेंटो में ना किसी और ई e कामर्स के सोल्यूशन में एक्सेप्शन आर देयर कि आपको पहले कैटेगरीज ऐड करनी पड़ती हैं अब कैटेगरी क्या होती है कि लेट सपोज जैसा हमने अभी देखा था क्लोदिंग एक है एक्सेसरीज़ हैं आर्ट है फॉर uh, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग अभी ऐड करके देखते हैं ये आपकी मेन कैटेगरीज हैं और जो भी प्रोडक्ट है वो या तो मेन कैटेगरी के साथ अटैच करेगा या अपने आप को एसोसिएट करेगा किसी सब कैटेगरी के साथ और अगले स्टेप में आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं ये एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है कि आप एक प्रोडक्ट को दो कैटेगरीज का पार्ट भी बना सकते हैं मतलब आसान लफ्जों में फोन का चार्जर है अब वो एक्सेसरी भी है मोबाइल फोन की और इलेक्ट्रॉनिक भी है तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं और साथ में आप इसको फॉर एग्जांपल एक्सेसरीज की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं ये बिल्कुल अलाउ होता है हर शॉपिंग कार्ट में ये चीज अलाव होती है तो लेट्स ट्राई टू एड कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज इन टू प्रेस्टॉल शॉप यूजिंग लोकल होस्ट जैसे ही आप एज अ एडमिन लॉग इन होंगे लोकल होस्ट पे तो जो पहली चीज आपने करनी है एज वी हैव डिस्कस्ड के आपकी जो कैटेगरीज हैं अब कैटेगरीज क्या होती हैं कैटेगरीज बेसिकली आपको अगर आप लोकल होस्ट स्लैश प्रेस्टा शॉप यानी अपने अगर शॉप पर जाएंगे तो ये जो मेन आपके ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही हैं क्लोथ एक्सेसरीज आर्ट ये बेसिकली आपकी कैटेगरीज है तो लेट्स गो बैक एंड पे हम लोग गए जो हमारा एडमिन पैनल है यहाँ पे मैं कैटलॉग में जाऊँगा और कैटलॉग में मैं कैटेगरीज पर क्लिक करूँगा तो ये आप देखें मेरे पास ऑलरेडी तीन कैटेगरीज मौजूद हैं क्लोज एक्सेसरीज आर्ट वो मुझे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो रही है और हर कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन भी है अब मैं कैटेगरी को एडिट भी कर सकता हूँ डिलीट भी कर सकता हूँ ये मेरे कंट्रोल में है रीज़न आई एम द ओनर ऑफ द शॉप अब मेरा पहला काम ये है कि मैं एक नई कैटेगरी लेट सपोज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एड करना चाहता हूँ मैंने ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया दिस पैनल विल ओपन अप मैं लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स लेट सपोज डिस्प्ले में इसको यस yes करता हूँ अगर नो no करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आएगा तो मैं डिस्प्ले यस yes करता हूँ पेरेंट कैटेगरी में होम रखता हूँ होम से मुराद ये है कि मुझे इसी लेवल पे एक नई कैटेगरी दिखानी है उसके बाद डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ लैपटॉप, फॉर एग्जांपल, आईपैड, आईफोन, लेट्स सपोज एंड एंड सो ऑन कवर इमेज मैं अगर कुछ एंटर करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ थंबनेल का मैं कर सकता हूँ मेन्यू थंबनेल में एंटर करता हूँ लेट्स सपोज़ मैंने पिक्चर्स रखी हुई हैं कुछ लेट्स सपोज मैं इसको एंटर कर देता हूँ अपलोड में करता हूँ तो उसके बाद मेटा टाइटल वो चीज़ होती है कि जब कोई आपकी वेबसाइट को सर्च करता है तो मेटा टाइटल्स के थ्रू सर्च की जाती है इसके लिए अमूमन कंपनीज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के स्पेशलिस्ट को हायर करती हैं हम लोग फॉर एग्जांपल लिख देते हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स ही लिख देते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन में भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही लिख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एंड टैग्स में भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही लिख देते हैं उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि जो आप एक कैटेगरी ऐड करेंगे ये क्या सिर्फ विजिटर को नजर आए गेस्ट को नज़र आए या कस्टमर को नज़र आए या तीनों को नजर आए कस्टमर अमूमन वो होता है जो आपके सिस्टम में रजिस्टर्ड होता है और गेस्ट वो होता है जिसने आपसे कोई चीज़ परचेज तो हो की होती है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होता और विजिटर ऐसा यूज़र है जिसने परचेज़ की है ना रजिस्टर है लेकिन आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो मैंने यहाँ पे इस कैटेगरी को सेव कर दिया जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यू विल सी यहाँ पे आप देखें एक नई कैटेगरी ऐड हो गई है अब उसके साथ मैं इसकी एक सब कैटेगरी ऐड करता हूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक किया एड न्यू कैटेगरी की तो अब आप देखें अब कैटेगरी का नाम है लेट सपोज मोबाइल फ़ोन और डिस्प्ले मैंने यस yes किया अब लुक एट द पैरेंट कैटेगरी वो अब होम नहीं है अब जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड की थी ना वो है मैं एक्सेसरीज भी कर सकता हूँ आर्ट भी कर सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और उसके बाद और उसके बाद अब आप देखें कि मैंने यहाँ पे सेव किया तो अब मेरे पास मोबाइल फ़ोन की देखें अब सब कैटेगरी ऐड हो गई है जस्ट लुक हेयर होम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी अब जो मोबाइल फ़ोन का होम है ना वो अब इलेक्ट्रॉनिक्स है यानी उसकी पेरेंट कैटेगरी हमारे पास अब इलेक्ट्रॉनिक्स है सो दिस इज़ यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो इट विल शो मी हेयर अब इसको अगर मैं लोड करूँ अब यहाँ पे ये देखें इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फोन वो यहीं पे दोनों उसने ऐड कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे अब सब कैटेगरी भी है और यहाँ पे उसने मेन कैटेगरी भी ऐड कर दी है तो दिस इज द वे टू एंटर मेन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज इन टू द सिस्टम अब जब हम ये कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट ऐड करना है तो प्रोडक्ट का प्री ये है कि आपके पास अ कैटेगरी मौजूद हो लेट सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं लेट सपोज सब कैटेगरी को डिलीट करता हूँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ लेट सपोज मैं डिलीट करना चाहता हूँ जैसे ही मैंने उसको डिलीट किया तो मुझसे वो पूछेगा डू वॉन्ट टू डिलीट दिस मैं इसको येस yes करता हूँ तो नाउ लेट सी वॉट विल हैपन हेयर अब आप देखें मेन कैटेगरी रह गई है सब कैटेगरी अभी उसकी कुछ यहाँ पर नहीं आ रही और यहाँ पर देखें उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है तो दिस इज अ वे जिसके जरिए हम बैक एंड पे अपने हम लोग कैटेगरीज को एड भी कर सकते हैं और कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं सब कैटेगरी को और मेन कैटेगरी को भी